नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके हिंदी टेक्निकल चैनल माय स्मार्ट स्टफ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर व्हाट्सएप पे गलती से किसी को कोई मैसेज भेज देते हैं तो आप उसे किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले ऐसा फीचर कोई नहीं था। अगर हम गलती से किसी को मैसेज भेज देते थे तो फिर वो मैसेज ज़रूर पढ़ लेता था। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। नए फीचर में आपको अपने भेजे हुए मैसेज को 7 मिनट के अंदर डिलीट करना होगा। आप अपने मैसेज को भेजिए और अगर उस पर ब्लू टिक नहीं आता है तो आप उसे 7 मिनट के अंदर डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गलती से कोई मैसेज अपने गर्लफ्रेंड को भेजना और आपने भेज दिया अपने पापा को तो उसे जल्दी से जल्दी डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये फीचर अभी तक तो व्हाट्सएप पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन व्हाट्सएप के आधिकारिक वेबसाइट पे इसे लॉन्च कर दिया गया है और जल्द ही आपके अपने मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप में नए अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इंतज़ार करिए, जल्द ही वो अपडेट मिलने वाला है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता था कि हम कोई भी मैसेज किसी को भेजते थे और वो मैसेज उसे चला जाता था और हम बाद में पछतावा होता था हमें कि अरे, ये तो मैसेज हमने गलत भेज दिया या किसी और को भेजने वाला मैसेज हम तो किसी और को भेज दिए। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए व्हाट्सएप ने ये नया फीचर लॉन्च किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि आपको अपने भेजे हुए मैसेज को 7 मिनट के अंदर डिलीट करना होगा। अगर 7 मिनट से अधिक समय लग जाता है तो फिर वो मैसेज आपका डिलीट नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसके अलावा व्हाट्सएप ने एक नया और फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके तहत आप भेजे हुए मैसेज को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने मैसेज कोई भेजा है और उसमें कुछ गलत लिख दिया है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ खास नहीं बताया गया है, लेकिन यह ज़रूर अपडेट किया गया है कि ऐसा भी फीचर व्हाट्सएप में आने वाला है। तो दोस्तों, वो फीचर तो बाद में आएगा, लेकिन अभी जो फ़िलहाल में फ़ीचर आ गया है उसका मजा लीजिए और अपने मैसेज को डिलीट करिए। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें 7 मिनट के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस में एक और रूल लागू किया गया है। आप व्हाट्सएप पर अगर किसी ग्रुप में मैसेज भेजते हैं तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ग्रुप मैसेज में को सोच समझ कर ही भेजिए। हाँ, अगर आप किसी पर्सनल आईडी पर इस मैसेज को भेजते हैं और उसे 7 मिनट के अंदर डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मैसेज भेजते ही तुरंत वो सामने वाला उसे पढ़ लेता है और आपकी स्क्रीन पर ब्लू टिक आ जाता है तो फिर आप उस मैसेज को डिलीट नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपने कोई मैसेज भेजा है और उसे किसी ने पढ़ा नहीं और आप उसे डिलीट करते हैं तो उसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपने कोई मैसेज डिलीट किया है, हालांकि वो मैसेज उसे वो पढ़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये खास फीचर्स है। अब आराम से मैसेज भेजिए और इन्जॉय करिए। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ। हमारे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। दोस्तों, अब आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।